दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और भगवान से दुआ है सब बढ़िया ही रहना। अभी मॉर्निंग के 7:30 हो रहा है। आज का वेदर बहुत ही ठंडा दिख रहा है मेरे को और अभी है तो देखते हैं, विजिबिलिटी भी कम है, देखते हैं। देखो मैंने डे मॉर्निंग में भी नाइट विजन पहना हुआ है तो इससे समझ सकते हो आप भी मेरे को, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि अभी यहाँ का मौसम कितना कितना कोर है। यहाँ पे हाईवे का पता नहीं क्या सीन है तो वो देखना पड़ेगा अभी आगे का क्या सीन से पड़ा है। तो तो बजरंग बली को प्रणाम करते हुए यहाँ से निकल लेते हैं। जय बजरंग बली हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम राम। तो दोस्तों ये जो राइड कर रहा हूँ मैं भी सोलो राइड इंदौर एमपी से उत्तराखंड तक की, तो इसमें देखो एक पहाड़ तो बनेगा नहीं क्योंकि वो लंबी वीडियो हो जाती है, तो बहुत सारे पार्ट्स में ये टुकड़े टुकड़े में मेरे को अपलोड करना पड़ेगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो और डेली आपको एक कंटेंट मिलता जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि एक लंबी राइड होने वाली है, तो वो राइड है अपना एमपी से, एमपी बोले तो इंदौर से और उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल तक। तो हो चुकी है आज स्टार्ट साईं बाबा के नाम लिखते हुए और ज़्यादा दिन लंबी राइड नहीं है, ये सिर्फ एक हफ्ते की राइड है। इसमें मैं देखो वापस आ जाऊँगा मैं 12:13 को इंदौर में। और तो अभी लगा लो आज है सिक्स्थ ऑफ जनवरी है 2022 और अभी मैं इंदौर में हूँ और फिर मॉर्निंग इंदौर से हो रही है और नाइट मेरी शायद नाइट अपने को होगी दिल्ली में। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आज का नाश्ता हो गया इंदौर में, डिनर होगा दिल्ली में और ब्रेकफास्ट होगा कोटद्वार में और लंच होगा अपने पौड़ी में। तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल है, आप तो रास्ते का आनंद ले लीजिए। क्या आप तब तक नज़ारा लो, चलो आप तब तक आनंद लो सफ़र का और मैं भी मेरे साथ में आप भी आनंद लीजिए सफ़र का। चलो तो अभी मैं ब्रिलियंट ओरा में पहुंच चुका हूँ, ओरा में ओरा क्रॉस कर लिया है मैंने ब्रिलियंट ओरा और अभी मेरे को हाईवे से कनेक्ट होना है। तो अभी तो मैं शायद मांगलिया से कनेक्ट होऊंगा हाईवे से, ये आगरा बम्बई रोड से अभी तो मैं। तो दोस्तों आप भी सफ़र का आनंद लीजिए और बने रहिए मेरे साथ चैनल के थ्रू, मुसाफिर हूँ 09 PSN ब्लॉग के थ्रू। और आप भी आनंद लीजिए कि सफ़र जो कोई भी चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि आपको सफ़र का आनंद मिल सके, उत्तराखंड के वादियों का नज़ारा आपको मिले और भी सुंदर ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और कोई भी सफ़र का आनंद ले सके आपकी तरह ही मेरी तरह ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सफ़र यहीं से, भगवान का नाम लेके, क्योंकि हम इंडियन का क्या भगवान का नाम लेके ही कोई सफ़र चालू करते हैं। तो श्री गणेश सबसे पहले करते हैं हमारे श्री गणेश से चालू करते हैं। तो इसको बोलते हैं किसी भी चीज़ का श्री गणेश करना। तो आज हमारा एक लॉन्ग राइड का श्री गणेश कर दिया हमने साईं बाबा और श्री भगवान गणेश जी का नाम लेके। चलो और मैंने क्रॉस कर लिया मांगलिया से, आगे मांगली वाला टोल जो पड़ता है अपना सिटी वाला ये मैंने क्रॉस कर लिया है और सामने मेरे को हाईवे दिख रही है और इसी हाईवे से मेरे को जाना है दिल्ली, आगरा बम्बई वाला रास्ता है वो, ये आगरा बम्बई और इंदौर को कनेक्ट करते हुए जाता है। तो ये जो हाईवे है आगरा बम्बई वाला है उससे मैं लास्ट टाइम सीढ़ी से आया था, ये हाईवे है। तो अब उसी हाईवे से आगे चल रहा हूँ मैं दिल्ली के लिए, आगरा से तो मैं यमुना एक्सप्रेस वे ही पकड़ूँगा। तो अभी तो आगरा तक तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा मेरे को, अभी ये हाईवे देख लेते हैं कैसा है क्योंकि मैं इस हाईवे से
2015 में मैं 2015 में गया था यहाँ से घर, तो सेम हाईवे मैंने पकड़ा हुआ था अभी ही। तो हाईवे तो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, 6 साल पहले मैं इस रास्ते से गया था, 6-7 साल पहले इसी रास्ते से मैं उत्तराखंड गया था फर्स्ट टाइम अपने बाबू सोना को लेके, जो हमारी बाबू सोना है। बाकी आप लोगों को पता ही है बाबू सोना, हम लोग अपने इस बाइक को बोलता हूँ मैं बाबू सोना अपनी, तो इस बाबू सोना को लेके फर्स्ट टाइम उत्तराखंड गया था। तो सेम हाईवे से गया था जिस हाईवे से आज मैं जा रहा हूँ। बाकी मैं उत्तराखंड और घर जितनी बार भी गया मैं, फिर ये वाला जयपुर कोटा वाला, कोटा जयपुर वाला रास्ता ही मैंने चुना है गुड़गांव होते हुए। लेकिन इस बार मैंने पता किया इस रास्ते का कि क्या कंडीशन है। तो अभी मेरे हमारे कलीग थे मिस्टर प्रशांत मीना, उनका यूट्यूब पे चैनल है प्रशांत इंदौरी करके, प्रशांत इंदौरी। तो वो अभी जस्ट उत्तराखंड की राइड करके आए हैं। रात को मैंने उनको कॉल किया था कि ये हाईवे ठीक है जाने के लिए, रास्ता अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था जब मैं गया था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है, आप जाओ, बहुत बढ़िया है। वो लोगों ने क्रॉस किया, उन्होंने बोला कि आप तो जाओ इस रास्ते से। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी रास्ते से निकलने की। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये हाईवे चालू हुआ है जिसमें मैंने पकड़ा है, अब देखते हैं कहाँ तक। तो अभी मैं वो सिप्रा नदी के ऊपर, सिप्रा नदी क्रॉस कर रहा हूँ अभी। तो मैं इंदौर से यानी कि आप लगा लो 20-22 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और मैं घर से लगा लो 30 किलोमीटर क्रॉस कर लिए मैंने। ट्रिप मीटर कर लेते हैं 0 अभी, ये 0 कर लिया है। तो अभी देवास के आसपास हूँ मैं, और यहाँ से आगरा 577 है, और फिर वहाँ से इन्हें अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, आगरा 577। ओहो, जय श्री राम। तुम लग चुका हूँ गोधन अपन ते सवार हो, आपको तीन लोग आप दूर हो गोधन मली यात्रा इधर जाता है ब्यौरा गुना, मेरे को गुना होते हुए जाना है, और आगे लिखा था आर्ट सेक्शन है। दोस्तों हाईवे पे एक सरसों का बहुत बड़ा खेत मेरे को दिखाया, क्या प्यारा लग रहा है, देखो दिलवाले वाली फीलिंग आ रही है ना मेरे को, बहुत बढ़िया। तो अभी हाईवे से जस्ट गुजर ही रहा था मैं, तो मैंने देखा, देखो पीछे मेरा कितना अच्छा सुंदर सा नज़ारा, सरसों का खेत, देखो क्या येलो कलर के जो फ्लावर हैं सरसों, क्या प्यारे लगते हैं। मेरे को तो ऐसा लग जैसे दिलवाले वाली फीलिंग नहीं आती, दिलवाली दुल्हनिया में था जो फीलिंग, GPS सिग्नल लॉस्ट। देखिए आपको भी मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा होगा पीछे, देखो एक बहुत अच्छी तस्वीर और निकाली मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ।